हाँ जी आमद भाई जी अपनी बेगम को भी लेने गए हुए हैं। अपनी बेगम? हाँ जी वो अपनी हो गई नी बेगम, उसकी बेगम है ना, इसकी अपनी बेगम, वो अपनी बेगम को आमद भाई लेने गए थे। मैंने ये कहा आमद भाई अपनी बेगम को लेने गया है, मैंने ये नहीं कहा आमद भाई किसी और की बेगम को लेने, अपनी बेगम उसकी निकाह हो गया, उसका जब निकाह हो गया उसकी होगी ना, उसकी अपनी। मैंने पैसे निकाल ले। कौन सा स्कूल जा रही हो? ठीक हूँ मेरे प्यारे प्यार भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा दबाव भी ठीक होंगे, जहाँ मेरा खुश है बाद रखो लोग रास्ते में जाते रहे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बनाए रहता है, जो हमारे चैनल पर न्यू है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि अंदाम आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो जो हमारे चैनल पर पुराने हैं जहाँ उनका शुक्रिया अदा करते हैं, न्यू को हम वेलकम कहते हैं। मैं जी दुकान पे जा रहा हूँ, माशाल्लाह आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, अब सब बहन भाइयों को बहुत बहुत जुम्मे की मुबारक हो, नमाज कुरान पढ़ी है तो अभी निकल आया हूँ घर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुकान मैंने खोल ली है, सामान वगैरह बाहर अभी नहीं निकाला, टैंकी निकाल ली है, ये टायर पड़े हैं ये निकालूंगा अभी बाहर। भाई जमील जा रहा है वाक पे सुबह सुबह। ये जी भाई तारक रक्षा लेके आया, इसके एक टायर को पंचर हमने लगा लिया है उरली साइड वाला, इस साइड वाले को, अब दूसरे टायर पे भी कहता है शक है वो भी पंचर लगाना है, इसको खोल रहे हैं। मैं कुलखानी पे गया हुआ था, सलीम भाई के भाई की कुलखानी थी तो उधर से आया हूँ अभी, कॉल की थी मुझे अभी पंचर लगाना है तो जल्दी आ जाए, मैं फिर जल्दी आ गया हूँ। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, जुमा तो मुबारक का दिन है, आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत जुमा की मुबारक हो। नमाज जुमा पढ़ के आ गए, खाने का टाइम हो गया, खाना खाने लगे हैं, खाना खा के मैंने फिर ड्यूटी पे चले जाना दुकान पे, इन्होंने अपने ट्यूशन चले जाना है। तो जिस बहन भाई ने खाना खाना हो जी आ जाए, आज बेगम ने पता नहीं क्या बनाया है, पता नहीं दिखा रही तो पता चलेगा क्या बनाया जी। बनाया मुझे भी दे। मुझे भी दे। मुझे भी दे। मुझे भी दे। प्याज है, मिर्च है, मसाला है, नज़दार है, ये देखिए माशाल्लाह जी। मुझे भी दे दे फिर, मुझे भी आधा ये और आधा वो दोनों इकट्ठा डाल दे, बहुत मजेदार बना दे। तो हम जी दोपहर का खाना खाने लगे हैं, तो खाना खा के हम ट्यूशन चले जाएंगे, ट्यूशन से आएंगे हम बाबा के बाद, जब पहले बाबा जी इसने ना कल ने कहा दूसरी जो अपने पुराने ने वो बना दी है और ये तुम ले लो, अब कहता है मैंने ट्यूशन यही लेके आनी है। मैंने बेटा वो नहीं बनाई, उसके ऊपर 6000 का खर्चा आना है बाबा, मैंने उसके टायर भी डालने हैं, उसकी ब्रेकें भी डालनी है, उसका और तो बहुत सारा काम है बाबा। कहता है आइंदा के बाद तुम्हारे मैंने इतनी अच्छी तरीके से मेहनत की, मैं फिर गलती कर डाली है, मैं तेल लगाया हर चीज की है उसकी बारिश की है, अच्छा मेरे प्यारे प्यार भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे का दबाव भी ठीक होंगे, जहाँ मेरा खुश है बाद रखो लोग रास्ते में जाते रहे।
आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मनाहिर का मिलो, जो हमारे चैनल पे न्यू है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के बटन को दबा दें ताकि अंदर आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो जो हमारे चैनल पे पुराने हैं जो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, न्यू को हम वेलकम करते हैं। अब इसमें मिर्ची शामिल कर दूंगी और साथ में इसमें डालेंगे पानी। आज जी हमारे इलाके में ना एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारे पड़ोसियों का। वो वर्ल्ड ऑफ मुखलिस के साथ ही घर है अकरम फौजी का, वो बेचारा फौत हो गया है, फौजी साहब फौत हो गए हैं। तो उनके घर में ना मोटरसाइकिल था, उनका कज़न है वो कैद हो गए। अच्छा तो उनकी जी रात चोरी हो गई है, वो चोर आए हैं रात, उन्होंने ऐसे किया वो विंडो लगी हुई थी उसके नीचे से ईंटें लगाई उन्होंने। हम पंजाब नकब कहते हैं या क्या संत कहते हैं, हम तो पंजाबी में संत कहते हैं। उन्होंने ईंटें निकाली हैं इतना सारा ना, उन्होंने यानी कि वो सुराख किया दीवार में, तो वहाँ से अंदर घुसाया आदमी बैठक में, तो बैठक में मोटरसाइकिल खड़ा था, वो मोटरसाइकिल लेके चला गया। फिर अहमद भाई बाबा ने पुलिस को फ़ोन किया, तो मैं दुकान पर था सुबह सुबह, जब पुलिस आई है ना तो मैं खा रहा आ रहा था नाश्ता करने के लिए, तो मैंने कहा पता नहीं ये पुलिस कहाँ आई है सुबह सुबह, जब वो हमारे मोहल्ले में इतनी ठंड हुई है। तो फिर मैंने कहा भी हमारे मोहल्ले में क्या ऐसी बात हो गई पुलिस आ गई है, पहले तो कभी पुलिस नहीं आई। तो जब अहमद भाई की चोरी हुई थी वक्त उस वक्त आई थी पुलिस, तो मैं फिर उसके पीछे पीछे में गाड़ी में, तो वो शाहजेब लड़का उनका मोटरसाइकिल चोरी हो गया है, तो उनको एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई ने उन्होंने अपना साइकिल भी गिफ्ट किया था, उनको लेके दिया था। वो बच्चा वो यतीम बच्चा है, वो स्कूल जाता था, तो उनका कज़न है वो उनके पास रहता है, वो मिल में काम करता है, उसका मोटरसाइकिल जो ना उनका वो इकट्ठे रहते हैं एक ही घर है एक ही जगह खाना पीना होता है उनका, उनका मोटरसाइकिल चोरी हो गया। बहुत दुख की बात है, गरीब आदमी थे, उनका मोटरसाइकिल चोरी हो गया। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए और जो लेके गए अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए कि वो वापस करें। गरीब आदमी का मोटरसाइकिल वो बेचारा मिल में जाता था, उसके लिए ना बहुत मसला बन गया। इधर हम शुगर मिल में काम करता था, चलो सवारी बनी हुई थी उसके पास, सवारी थी अपनी, सवारी पे जाता था आता था, किसी को क्या किसी को उन्होंने कभी कोई किसी से बात की नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शुक्र लोग। भाई फौजी था वो भी बहुत अच्छा था, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। तो उसके बच्चे हैं, उसके भतीजे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। हम काफी देर तक तकरीबन 8:30 बजे तक उनके साथ फिरते रहे, फिर कुल्हानी पे जाना था, वहाँ पे कुल्हानी पे चला गया हूँ, तो वहाँ से वापस आया हूँ। तो फिर अभी जाऊँगा पता करूँगा क्या बना, पता करेंगे भी क्या बना। चले जी बेगम साहब आप मुझे चाय पिलाएं, मैं फिर जाऊँगा। ये देखिए जी दोपहर को भी चाय, सुबह को भी चाय। यार मैं तो दुकान पे जा रहा था, आपने खुद ही कहा था अभी वो शाम को ना वो अपना आज अहमद भाई अपनी लेने गया बेगम को दूसरी को। अच्छा हाँ जी वो आज आ जाएगी। तो हाँ जी अहमद भाई भी अपनी बेगम को भी लेने गए हुए हैं। अपनी बेगम? हाँ जी वो अपनी हो गई नी बेगम, उसकी बेगम है ना, इसकी अपनी बेगम, वो अपनी बेगम को अहमद भाई लेने गए। मैंने ये कहा अहमद भाई अपनी बेगम को लेने गया है, ये नहीं कहा अहमद भाई किसी और की बेगम को लेने, अपनी बेगम उसकी निकाह हो गया, उसका जब निकाह हो गया उसकी होगी ना, उसकी अपनी जी। रात गए थे तो भाई अहमद कह रहा था मेरी बेगम जो जॉब करती है उसको जॉब का मसला है, हॉस्पिटल में जॉब करती है, तो कहता फिर ना मैंने उससे कहा इधर रहे, मैं आपको छोड़ भी आया करूँगा, ले भी आया करूँगा। तो देखिए अब अहमद भाई जा रहे गए हैं, देखिए आप भी गए जी लेने के लिए, देखे जी आती है जब तक आती है। अहमद भाई वाले भी जाते तो नहीं चले आए, ये भी कोई बता नहीं अहमद भाई को चला गया, ये ट्रेन आ गई है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि अहमद भाई और सबा भाभी भी उधर ही चले जाएंगे, शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये मेरा एक आइडिया है, मुझे लगता है, क्योंकि वो एक मुहावरा है ना, गाना बना हुआ है, या अपना किसी ने कर ला या आप किसी का हो गए दिया। हो सकता है अहमद भाई और भाभी का वो पहले भी मकान वगैरह उधर शहर देख रहे थे, कोठी वोटी एक हो सकता है उधर ही ले लें, फिर उधर ही रहे वो भी और इकट्ठे रहे सारे, कोई पता नहीं जी। माशाल्लाह जी रात गए थे, बड़ा मजा आया, बड़ी उन्होंने खिदमत वाला की है, बड़ी मिठाई चाई खिलाई वगैरह पंचन। तो वो तो हक बनता था, शादी नहीं की मिठाई खिलाने का, बिल्कुल हक बनता था, अगर गली में पानी लगाया था। हां जी मेहनत की थी मैंने, मेहनत गली में पानी लगाया था कि चले जी ये मट्टी जल्दी हो गए, मेहमान आएंगे जरा हम भी साथ हैं, मैं भी फोन शून आएगा, इंतजार ही करते रह गए पूरी। कहीं ऐसा ना कि दुल्हन कभी मौका मिले पैदल चल के जाने का तो पांव को मट्टी छटने लग जाए, ना भाई की देर में पांव को। मेहमान है तो हम तो मेहमान है ना, दुल्हन आई है नहीं मेहमान आई है बस्ती में। तो चले जी चाय बन गई है, मुझे चाय दे दे आप।
आप ये पहले ही गाल लिए थे तुमसे। ये बनाया तो इतनी भूखड़ है इसके बाबा कपड़े उतार के जाते हैं ना, ये फटाफट से कपड़ों को जेबें वगैरह फलोड़ने लग जाती है, शायद पैसे हो, शायद से पैसे हो, इतनी भूखड़ है जी। मेरी बात सुने, वो पैसे मुझे दे 50 रुपए हैं। आपने कहा नहीं निकले, आपने कहा ना नहीं निकले, तो फिर निकले नहीं, मैं झूठ बोला? ये 50 रुपए मैंने गर्दन दबा दी तुम्हारी, आप 1 रुपए नहीं मैंने तुझे देना, तुझे झूठ बोला। 5 रुपए इसको मिल भी गया फिर भी इसे झूठ बोला कि नहीं मिला, मेरे कमीज में थे 5 रुपए, मुझे पता था 5 रुपए आए थे। देना दुकान पे जा रहे थे तो कह रहा बेगम चीनी दे दे थोड़ी सी मैं खा लूँ, मुझे तरस आ गया इसके ऊपर, ये मेरे का सब चीनी है, मैं अभी चाय का कप बना दूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज मेरी बीवी को भी मेरे ऊपर तरस आ गया, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आप भी बहन भाइयों मेरे ऊपर तरस कर लें, मेरे को सपोर्ट करें, तो आप भी कुछ तरस करें मेरे ऊपर। यतीम है बेचारा, तरस करें इसके ऊपर, गरीब भी हूँ यतीम भी हूँ मस्कीन भी है सब कुछ हूँ, और बीमार भी हो, हाँ मरीज भी है, उधर रख ले, तकलीफ मुझे बहुत ज्यादा है, उधर रख ले, बता उधर रख ले, ठीक है। अरे भाइयों मुझे ना बहुत ज्यादा तकलीफ है, मुझे ना मोरों की, यकीन करें कि मुझसे ना तो ज्यादा चला जाता है, मैंने कुलखानी पे जाना था तो मैं चल के नहीं जा सका, मैं मोटरसाइकिल पे जाऊँ, मैं यहाँ से निकला हूँ वहाँ तक जाऊँ रोड तक, तो मुझे क्योंकि पहले उधर फिरते रहे 10-15 मिनट वो चोरी जहाँ हुई है, तो मुझे लगा कि मैं चल के उधर तक नहीं जा सकूँगा, फिर मैं घर वापस आया हूँ वहाँ पर, फिर मोटरसाइकिल मैंने निकाला, फिर मोटरसाइकिल पर गया, तो वैसे मैं चल के नहीं जा सका, तो बहुत तकलीफ है मुझे। आपकी बात सुन रही थी तो चाय थोड़ी सी मैंने कहा डालू कप में, मैंने कहा कप उल्टा ही डाले, मैं चाय डालने लगी, उल्टे कप में बहुत अच्छा किया जी, उल्टे कप में भर लिया ना, दोनों तरह से भर लिया कप देखो। तो मैं साहब की बातें सुन रही थी ना कि साहब कहाँ कहाँ गलती करते हैं, कहीं कहीं कहाँ कहाँ जिससे तुम बोलते हैं मेरा भी उसका दांत टूटने वाला, पहले 10 रुपये थे ये फकीरों वाला काम भी आपका बाबा 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 आधा गिलास पानी पिलाया, पानी पिलाया मुझे पानी पिलाया, पानी पिला मुझसे मार खानी है, मारे मैं कौन सा कैसे ना मारे मारे इनको, खूब मैं खुद कहती उसको खूब ठंडा लगाए, आधा गिलास ले तो वो कहती मुझे नए जोड़े हो नए कपड़े पहनने के लिए, वो जुमे पे जुमे ये पुराने कपड़े थे तो इसको ना तलवार फट गई, तो मैंने इसको ये नीचे से लगा दिया पैर, ये देखे मेरा जूता टूटा हुआ है, ये देखे ये मैंने टांके लगाया धागा, हमारे आग का जूता टूटे, मैं भी हम आग का जूता पहनती हूँ, मेरा जूता टूटे ही है, वो हम आग का जूता पहन के फिरती हूँ, ये देखे ये पाँव भी टूट गया, इसको भी मैंने टांके लगाए थे, खुद खुद गाँटा मैं उसको गाँटे लगाई, अरे आगो मैंने बना के दिया उसके टांके लगाए जूते, उसका भी जूता टूटा हुआ है और मेरा जूता भी, वो जूता पड़ा है हम आज का पुराना वाला दिखाए, वो मैं पहनती हूँ ये वाली, मेरा चश्मा किसके पास, ये पुराना जूता पहन के फिरती हूँ, ना तल्ला जो है ना वो बहुत बारीक हो गया, इसमें कोई कचरा वगैरह हो तो वो भी लग जाता है, तो पैर में जो भी जाता है मुर्गी वगैरह उधर जाती है ना पीछे, तो उधर कांटे बहुत पड़े हैं, तो मैं जाती हूँ ना मुझे कांटे लग जाते हैं इधर पैरों में, तो फिर मैं उधर निकालने बैठ जाती हूँ, जब कांटे निकाल के फिर मैं मुर्गियों को लेके आती हूँ, मुर्गी छोड़ी है कि नहीं छोड़ दिए, किधर जा रही हो साइकिल लेके, स्कूल जा रही हो रैन, कौन से स्कूल पढ़ती हो तुम, आज पता चल जाता कौन से स्कूल, कौन से स्कूल चली हो ना कर बेटा, कौन से स्कूल जा रही हो हाँ,
किस स्कूल में जा रही हो? कहाँ जा रही हो साइकिल लेके? हुरैन हुरैन चले, मैं जा रहा हूँ बेटा दुकान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाइयों? मैं भी ठीक हूँ अल्लाह फजल करम से, आप भी ठीक होंगे। आप जी हमारा चैनल देख रहे हैं मिनाहिल अकरम व्लॉग, और आपने उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। हमारे वीडियो में जी आपका वेलकम वेलकम वेलकम। और जी हम मैंने ना हाथ मुँह धो लिया, ट्यूशन की तैयारी कर ली है तो क्योंकि मैंने ना ट्यूशन जाना है आज फिर है, तो जुम्मे को तो सबको छुट्टी है क्योंकि इस दिन बच्चे शहीद हुए थे, इसलिए उसकी छुट्टी है सब बच्चों को। वो है ना अपनी झाड़ू दे रही है, वो भी आपको दिखाती हूँ मैं।